हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। पीरियड्स के दौरान रिलेशन में रहने से गर्भधारण का कितना प्रतिशत चांसेस है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पीरियड्स के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा या फिर सातवें दिन कौन से दिन से रिलेशन में रहने से प्रेगनेंसी का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है, आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है यानी कि ब्लीडिंग शुरू होता है, उस दिन को हम डे 1 मान के चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डे 1 हो गया, उसके बाद डे 2, डे 3, डे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, then 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। सो जनरली जो पीरियड साइकिल लेंथ होता है वो 28 डेज से 32 डेज़ का होता है, जो कि नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, तो इस समय आपका जो पीरियड का स्टार्टिंग डे है वो है डे 1। और अगर आपका ब्लीडिंग जो होता है वो लगभग 5 से लेकर 7 दिन तक हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल महिला में होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका पीरियड साइकिल लेंथ, ये है आपका पीरियड का स्टार्टिंग डे। और अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज़ का है तो आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो 29th डे को या फिर 28 डे को ही आएगा। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 से 32 डेज़ का है तो इसी के बीच ही 28 से 32 डेज़ के बीच में ही आपका नेक्स्ट पीरियड आ जाएगा। लेकिन जो भी आपका नेक्स्ट पीरियड है उससे 14 डेज़ पहले ही आपका ओवुलेशन होता है। ठीक है, सो अगर आपका 28 डेज़ का साइकिल लेंथ है तो आपका जो ओवुलेशन है वो 14 डे पर या फिर 13 डे नाइट को, इसी दौरान ही आपका ओवुलेशन होगा। और अगर हम 1, 2, 3, 4 दिन को मान के चले तो 15, 16, 17 और 18, इस 4 दिन को भी अगर आप लेते हैं तो इस दिन भी ओवुलेशन पीरियड होता है। सो आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि इस प्रेगनेंसी के लिए एक स्पर्म और एक ओवम यानी कि अंडे की ज़रूरत होता है। और जो स्पर्म होता है वो आपके शरीर में लगभग 3 से लेकर 7 दिन तक जीवित रह सकता है। सो अंडा या फिर एग आपके शरीर में 13, 14, 15, 16, 17 या फिर 18 डे पर ही अवेलेबल होता है। सो अगर इस 13 से लेकर 18 डे के टाइम में एग जो है वो स्पर्म के साथ मिल जाता है तो ही जाकर प्रेगनेंसी कंसीव होने का चांसेस रहता है। लेकिन स्पर्म का जो लाइफ स्पान होता है वो लगभग 3 से लेकर 7 दिन तक होता है। तो अगर हम पीछे 3 से लेकर 7 दिन तक चले, 4, 5, 6, 7, सो 7th डे। सो अगर आप 7th डे पर भी इंटरकोर्स करते हैं तो भी स्पर्म 13 डे को या फिर 14 डे को अवेलेबल रह सकता है। सो अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ थोड़ा सा कम है, क्योंकि कोई महिलाओं में पीरियड साइकिल लेंथ 21 डे तक भी होता है, तो अगर उनका जो ओवुलेशन होता है वो लगभग 7 डेज पर हो जाता है, तो अगर वो महिलाएं पीरियड्स के दौरान रिलेशन में रहते हैं 4, 5, 6 डे या फिर 7 डेज पर भी वो रिलेशन में रहते हैं तो उनका भी चांसेस रहता है कंसीव करने का। लेकिन अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज से लेकर 32 डेज का है तो अगर आप पीरियड में रिलेशन में रहते हैं तो प्रेगनेंसी का चांस इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत चांसेस है अगर आप 7th डे को रिलेशन में रहते हैं। लेकिन उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 अगर इस दौरान भी अगर रिलेशन में रहेंगे प्रेगनेंट होने का चांसेस रहता है। सो यहाँ पर आपको मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज से 32 डेज़ का है तो आप पीरियड के 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन तक रिलेशन में रहते हैं तो इस दौरान आपको गर्भधारण का कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन अगर आपका 7वें दिन पर भी रिलेशन में रहते हैं तो आपका थोड़ा बहुत चांसेस बनता है प्रेगनेंसी का। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि पीरियड्स के कौन से दिन में रिलेशन में रहने से आपका गर्भधारण का चांसेस सबसे ज़्यादा अधिक होता है। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।